नमस्ते। बाला हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ। आप लोगों की स्वागत करने मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है, जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो और जानना चाहते हो कि आपकी लव रिलेशनशिप की स्थिति क्या है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए होगी। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और एक बात, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। एनर्जी आपके साथ मैच होनी चाहिए। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप डिटेल्स के साथ मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स को पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है। ये रीडिंग होगी 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक की जो वक्त है, इसलिए इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये बंदा या बंदी इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए राजी हैं, या फिर देना चाहते हैं या फिर पाना चाहते हैं। साथ ही साथ अपनी लाइफ को बैलेंस भी करना चाहते हैं। हो सकता है पहले ही आपको वक्त पैसा कुछ भी सही तरीके से नहीं दे पा रहा था, लेकिन अभी देने के लिए राजी हैं, या फिर आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप उनको इक्वल गिव एंड टेक दो, रिश्ते को बैलेंस करो। देख लेते हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। चैरियट, ये रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। ये बंदा या बंदी जो भी है रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। रिश्ते के सही गलत अच्छे बुरे हर हालात को समझ के ये रिश्ते को दोबारा से मौका देना चाहते हैं। देख लेते हैं चैरियट के साथ और क्या आता है। एम्परर, ये बंदा या बंदी जो भी है ये एक हर्ष डिसीशन लेना चाहते हैं। हो सकता है पहले इन्होंने ना समझी से बहुत कुछ खोया होगा, या फिर इन्होंने रिश्ते को इतना अहमियत नहीं दिया होगा, लेकिन अभी ये इस रिश्ते की ब्याप में एक डिसीजन लेना चाहते हैं। बंदा इंतज़ार कर रहा है सही वक्त का, जब उनको लगेगा कि वक्त सही है तो बंदा डिसीजन ले लेगा। बंदा या बंदी जो भी है ये रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। चैरियट के कार्ड के साथ मैं ये कह सकती हूँ ये खुद को हील भी कर चुका है, बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को बैलेंस किया है, अपने एनर्जीज को बैलेंस किया है, अपनी जो एंग एंड यंग की एनर्जी है उसको बैलेंस किया है, खुद को बैलेंस किया है, चीज़ों को समझा है, अच्छे बुरे सही गलत हर हालात को समझे हैं रिश्ते की, और भगवान के भरोसे बंदा दोबारा रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। ये एक हर्ष डिसीजन लेके रिश्ते को फिलहाल के लिए, इनके लिए ये डिसीजन लेना हो सकता है बहुत मुश्किल है, कठिन है, लेकिन इन फ्यूचर में ये ही डिसीजन उनके लिए सही साबित होगा, इस उम्मीद के साथ बंदा रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। साथ ही साथ रिश्ते को बैलेंस भी करना चाहते हैं। जो भी गलती उन्होंने पहले किया होगा उस गलती को भी सुधारना चाहते हैं। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, कोई लिब्रा हो सकता है, कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई एरीज हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, एनर्जी की बात है ये। अभी हम देखेंगे टॉरस आप खुद क्या चाहते हो। एस ऑफ कप्स, आपके तो इमोशन भर भर के आ रहे हैं, उभर रहा है, आपको लगता है कि ये जो रिश्ता है ये सोलमेट वाला कनेक्शन है। कभी कभी आपको लगता है कि ये सोल कनेक्शन है, ये ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है। वैसे अगर देखा जाए ना, हर रिश्ता ही सोल का रिश्ता है। किसी ना किसी तरीके से हम किसी ना किसी जन्म में किसी के साथ किसी भी तरीके से जुड़े हुए होते हैं, तभी इस जन्म में हमें वो बंदा या बंदी अच्छा लगने लगता है, बुरा लगने लगता है। जो भी कर्मास हमारे ड्यूज रहते हैं उसके हिसाब से हम लोगों से मिलते हैं। तो सोल तो
कनेक्शन तो हमारे साथ जिनका भी रिश्ता जुड़ता है कुछ ना कुछ होता है। एक बात बताती हूँ मैं आपको, मेरी मम्मी हमेशा बोला करती थी, अभी वो नहीं है, कुछ साल पहले उनका देहांत हो गया, वो मेरे को एक बात बताती थी कि देखो जिससे भी हम मिलते हैं अगर आपको भूत ने भी पकड़ना होता है ना तो भी आपके राशि के साथ उनका मिलना होता है, फिर वो आपको पकड़ेंगे। देखो हर किसी को वो पकड़ते नहीं है, ऐसा मन मजाक में बोल देती थी। तो कुछ कुछ ना कुछ रिश्ता होना ही होता है, तभी आप उनके साथ मिलते हो, तभी आप उनके साथ लाइफ में आते हो। और आप तो सोच रहे हो कि ये आपके सोल कनेक्शन है। एस ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि एस ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। एस ऑफ सोर्स को अगर हम क्लैरिफाई करें, एस ऑफ कप्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे क्या आता है। क्वीन ऑफ सोर्स, सॉरी एस ऑफ सोर्स नहीं, क्वीन ऑफ सोर्स, फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्स। आपने हो सकता है कुछ सीक्रेट को आपने रिवील किया है इन दिनों, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने सच्चाई को जान लिया है, तो आपके सामने अभी सब कुछ है। पहले हो सकता है आप इस रिश्ते को बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहे थे, या फिर आपने पहले इस रिश्ते को इग्नोर किया था, लेकिन अभी आपके पास इस रिश्ते की सच्चाई है, उनकी सच्चाई है, आपकी पर्सन की। और कहीं ना कहीं अगर आपने पहले इस रिश्ते को इग्नोर किया था, पहले इस रिश्ते में आपने अच्छा कुछ नहीं देखा था, तो अभी आपको सब कुछ समझ में आ गया है कि ये रिश्ता कैसा है, ये पर्सन आपके लिए कितनी अहमियत रखता है। तो अभी आप खुद को अपने आप को काबिल बनाने के साथ साथ, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, आप अपने दिमाग से भी सोचने लगे हो, अपनी क्वालिटीज़ को भी बढ़ा रहे हो, आप मतलब के अलावा बेमतलब की लोगों से मिल नहीं रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, जो चीज़ आपके काम के नहीं है आप उस चीज़ से दूर रहना चाहते हो, दूर रह भी रहे हो। और साथ ही साथ आपको रिश्ते की सच्चाई भी पता चल गया है, जिसकी वजह से आप इस रिश्ते के लिए एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हो। आपका प्यार जो है, इमोशन जो है, वो ओवरफ्लो हो रहा है इस बंदा या बंदी के लिए आजकल, मतलब प्रेजेंट में। एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। हो सकता है इस एनर्जी का मालिक आपके पर्सन हो और आप उनकी एनर्जी के उनकी एनर्जी को होल्ड कर रहे हो, तो ये आपको पता होनी चाहिए किसकी एनर्जी है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं, अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या है, अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं, अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं, अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। टॉरस, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, टॉरस यानी वृषभ राशि, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ये बंदा या बंदी मैंने कहा ना, ये इंतज़ार कर रहा है वक्त, पहले भी आया था, डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहा है, मतलब डिसीजन तो इन्होंने ले लिया है, सोच लिया है क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन मुझे लगता है आपकी तरफ से अगर उनको कोई क्लू मिल जाए कि आप भी इसी तरीके से सोच रहे हो, और वक्त का भी एक भूमिकाएँ हैं इसमें, ये सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है, साथ ही साथ ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में भी सोच रहा है, इनका फिनेंस भी सही हो जाए, वक्त भी सही हो जाए, खुद को हील भी कर ले, फिर बंदा एक्शन ले लेगा, बंदा या बंदी जो है ये ऐसा सोच रहे हैं। अभी हम देखेंगे सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। वक्त के बहुत बड़े भूमिकाएं हैं इस रिश्ते में, ये सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है ये पर्सन, साथ ही साथ फिनेंस का भी। देख लेते हैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर आप क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। द स्टार के कार्ड, ये बंदा खुद को हील कर रहा है, ये गलती पहले किया था, उस गलती को ये सुधारना चाहते हैं, ये मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते में, गिव अप नहीं करना चाहते हैं, आपसे भी यही उम्मीद कर रहा है कि आप उनको समझे, इस रिश्ते में उनका साथ दें।
साथ ही साथ इन्होंने अपनी चक्रास को भी बैलेंस कर लिया है। मतलब जो गलती हुआ था ना, जो जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ था, हो सकता है रिश्ता खराब हुआ है, रिश्ता खराब है, आप एक दूसरे से दूर हो, कोई परेशानी है, तो ये खुद को हील भी कर रहा है। और साथ ही साथ पहले ही अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाता था अगर, या फिर आपके लिए, तो अभी ये आपके लिए भी स्टैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि बंदा इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। ये खुद के लिए भी स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके लिए भी सोच रहा है, जो गलती उन्होंने पहले किया था उस गलती से सीख लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, और अपने आप को कहीं ना कहीं ये एक मेंटल हीलिंग जिसे कहते हैं, उस हीलिंग को ये खुद को दे रहे हैं, खुद को प्रोवाइड कर रहा है हीलिंग। ये रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। इस रिश्ते को ये शादी जैसे पवित्र बंधन में बांधना चाहते हैं। अगर आप पहले शादीशुदा नहीं हो, तो अगर आप शादीशुदा हो तो इसी शादी वाला जो रिश्ता है, जो आप लोगों का रिश्ता है, इस रिश्ते को ये एक और स्टेबल रिश्ता बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे आप क्या चाहते हो। किंग ऑफ कप्स, आप कहीं ना कहीं खुद का इमोशन जो है वो हाइड कर रहे हो, फिलहाल करोगे आप, क्योंकि ये आप क्या चाहते हो, आप अपना इमोशन हाइड करना चाहते हो, या फिर करके रखे थे पहले, अभी तो आपका इमोशन जो है ये ओवरफ्लो हो रहा है। किंग ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, टू ऑफ पेंटिकल्स, कहीं आपके पास और ऑप्शन तो नहीं है, आपके जॉब हो सकते हैं। ऑप्शन का मतलब हमेशा कोई बंदा या बंदी नहीं होता है, आपके जॉब भी हो सकते हैं। द वर्ल्ड के कार्ड, आप अपने लिए एक नया और वर्ल्ड मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब एक नया सर्कल को मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप, जो घिसा पीटा, जो पुराना चीज़ें चल रहा था उसको आप इग्नोर करना चाहते हो उसको आप, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स के एनर्जी भी आई थी अभी अभी, आप क्वीन ऑफ सोर्स के एनर्जी में भी थे, आप बेकार की बातों से खुद को दूर रखना चाहते थे, आप बेकार की चीज़ें को सुन नहीं रहे हो, आप बेकार की लोगों से रिलेशन नहीं रखना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने भी जो हो गया सो हो गया, उस चीज़ को ख़त्म करके वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। आप एक नया सर्कल को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो फिनेंस को लेके भी, और साथ ही साथ टेन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, तो आप एक कंप्लीट परिवार को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, करना चाहते हो। आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो कैंसर हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, एक्यूरियस हो सकता है, एरीज लियो हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, राशि से कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी मुझे दिखाई दे रहा है तो मैंने आपको बता दिया। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम। द मून के कार्ड, आप किसी पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। रिश्ते की आउटकम मून के कार्ड के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि आप लोग किसी अननोन फेयर से डर रहे हो। जो कंफ्यूजन का कार्ड आया था ना आपकी तरफ से टॉरस, आपके अंदर कितना भी प्यार है, आप कितना भी परिवार को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कंप्लीट फैमिली को मैनिफेस्ट कर रहे हो, टेन ऑफ कप्स के एनर्जी में आप कितना भी हो, आना चाहते हो, परिवार चाहते हो, घर परिवार रिश्ते बच्चे, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक कन्फ्यूजन में भी हो कि क्या मुझे ये करना चाहिए, तभी ये मून के कार्ड आए हैं। ये अननोन फेयर भी काम कर रहा है आप लोगों के अंदर, खास करके मुझे लगता है आपके अंदर। देख लेते हैं मून के कार्ड क्यों आए हैं, क्यों आप डर रहे हो टॉरस, आप क्यों डर रहे हो, देख लेते हैं मून के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम मून के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि मून के कार्ड क्यों आए हैं। क्योंकि पिछले वक्त की जो हालात थे वो हालात सही नहीं थे, उस हालात की वजह से आप परेशान हो। हो सकता है पहले आप इसको अपना दिल का रिश्ता समझते थे, क्योंकि करंट एनर्जी में वैसा ही कुछ आया है, लेकिन अभी आप उस रिश्ते को दिल का रिश्ता नहीं समझते हो। आपको इस रिश्ते से परेशानी मिली होगी, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा डरे हुए हो। इसमें बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, हो सकता है इनके घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है जिससे ये सारा परेशानी ख़त्म हो जाएगी इस रिश्ते की,
जिस बात से आप डर रहे हैं वो आपका डर खत्म हो जाएगा, रिश्ते की परेशानी खत्म हो जाएगी। अचानक से कोई ऐसा वक्त आ जाएगा, ऐसी हालात हो जाएगी जिससे सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, आपको सब कुछ क्लियर दिखने लगेगा। क्योंकि हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे को ऑनलाइन स्टॉक करते रहते हो। आजकल ये ऑनलाइन का जो मामला है, जो माजरा है, ये बहुत अच्छा होता है। किसी के बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो सीधे उसके सोशल अकाउंट पर आपको धावा बोलना पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा कि बंदा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ बात कर रहा है, मतलब कितने दोस्त है, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मुझे लगता है आप दोनों के दोनों ही एक दूसरे को ऑनलाइन स्टॉक करते रहते हो, तो इसीलिए आपके पास सब कुछ आ जाएगा, जो भी आप जानना चाहते हो, जो भी आपको लग रहा है कि कोई बातें छुपा रहा है, क्या करे, क्या हो सकता है, तो इस सारी सवाल के जवाब आपको मिल सकता है इन दिनों। और अचानक से ही सब कुछ चेंज हो सकता है आप लोगों की लाइफ में। जैसा जो चल रहा था मुझे लगता है उस तरीके से चलेगा नहीं, क्योंकि इन दिनों आप अपना इमोशन को हाइड कर रहे हो। पहले आप अपना इमोशन को ओवरफ्लो कर रहे थे, लेकिन इन दिनों हाइड करोगे। आपको परिवार चाहिए, रिश्ता चाहिए, लेकिन आप उनकी तरफ से एक्शन लेना चाहते हो। ये बंदा रेडी है एक्शन लेने के लिए, लेकिन आपकी तरफ से कुछ क्लू नहीं मिल रहा है। जब भी मिलेगा बंदा एक्शन ले लेगा। और इसकी एक जो सोर्स है वो है सोशल मीडिया। आप दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक करते हो और ये अचानक से हो सकता है आप लोगों की रिश्ते में, क्योंकि टावर मोमेंट आएगा और जो होना ज़रूरी है, और आपको दोनों को ही एक दूसरे के बारे में सारी सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, जो भी ये रीडिंग देख रहा है टॉरस के, उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करे। माफ कर दो और माफी मांग लो। पेज ऑफ कप्स के कार्ड बच्चों के खातिर, जिनके शादी हो गए हैं, जो शादीशुदा है वो बच्चों की खातिर रिश्ते में उनको आना पड़ेगा। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि बच्चों के लिए आपको रिश्ते में आना है। अगर आप इनके बच्चों की माता या पिता हो इसके लिए भी आना है, अगर बनने वाले हो तो भी आना है। खुद का ख्याल रखना है, अपना सोचना है। जैसे कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए थे आपके तरफ से टॉरस, आपको उसी एनर्जी में रहना है। दुनिया जले तो जले, आपको अपना अपने बारे में सोचना है। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर, सेल्फ डिपेंडेंट, ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। इस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है। अगर आप लोग अपने समझदारी से, आप खास करके समझदारी से रिश्ते को चलाते हो, सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल करते हो, तो ये रिश्ता बहुत आगे जा सकता है। इस रिश्ते में आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्लैरिटी के साथ आपको रिश्ते में आगे बढ़ना है। माफ़ कर दो और माफ़ी मांग लो, या तो माफ़ कर दो या फिर माफ़ी मांग लो और आगे बढ़ो। फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड मूव ऑन, आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, सब कुछ भूलना पड़ेगा और मूव ऑन करनी पड़ेगी, तभी ये रिश्ता एक विक्टोरियस रिश्ता बन सकता है। क्योंकि इस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, लोगों को दिखाने के लिए ये रिश्ता बहुत अट्रैक्टिव रिश्ता है। हो सकता है आप लोगों में कुछ अनबन है, कुछ कमी है, लेकिन लोगों को इस बात का पता नहीं चलने देना चाहते हो आप लोग, क्योंकि आप लोग दोनों ही दिमाग वाले बंदे या बंदी हो। जो भी करते हो समझदारी से करते हो, तभी तो स्टॉक करते रहते हो, मतलब स्टॉक करके आप एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान जाते हो। तो इसीलिए अगर रिश्ते में आना है, कुछ भी हुआ होगा, कुछ भी परेशानी थी, कोई भी है, कोई भी आप लोगों की रिश्ते में परेशानी डाल रहा है, कोई थर्ड पर्सन, कोई रिश्तेदार, कोई कुछ, लेकिन अगर आप लोग रिश्ते में आना चाहते हो तो कोई नहीं रोक सकता। एक चीज़ आप लोगों को रोक सकता है, वही ईगो। ईगो को साइड हटाओ और आगे बढ़ो, माफ़ी मांगो या माफ़ कर दो और आगे बढ़ो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।